from? I'm from India. India? Which part? I'm from eastern part of the India. Okay. Eastern and northern both actually have a house. In New Delhi also, Calcutta also. Okay. फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आज है 19th और हम लोगों का एटलीस्ट मेरा बहुत सबसे इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण दिन है आज। आज है लूव म्यूजियम का टूर। टूर शुरू हो गया है, मैंने गाइडेड टूर ले लिया है और 11 बजे से ये टूर शुरू हो रहा है। कोशिश करेंगे 11 बजे से तीन घंटे या ढाई तीन घंटे का टूर होता है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कैमरा लिमिटेड एक्सेस है, जितना हो पाएंगे दिखाएंगे। चलिए लाइन है और हम लोग भी इस तरफ है। क्यों? हम लोग के पास स्किप द लाइन का जो है पास है, वो पास है। इसे एक्चुअली लाइन को आप स्किप कर सकते हो, जल्दी घुस सकते हो, तो मैंने वो भी लिया हुआ है। Especially by night, because the light is beautiful, but Paris by night is a fairy tale, the most beautiful. मैं आपको लूव्र के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लूव्र जाना है तो इसका जो टिकट है या गाइडेड टूर है वो आप 2 से 2.5 महीने पहले ही बुक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में या जितना आपका डेट आगे आता जाएगा इसका अवेलेबिलिटी लिमिटेड होता है, तो अवेलेबिलिटी मिलता नहीं है। दूसरा बात यह है कि गाइडेड टूर जरूर लें, क्योंकि इसके अंदर इतने आर्टिफैक्ट्स है। यूजुअली लूव के पास 6 लाख के ऊपर कलेक्शंस है, जिसमें 35,000 के आसपास कुछ डिस्प्ले में है, जो आपको पूरा देखने के लिए मिनिमम 3 महीने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए या अच्छे से जानने के लिए, अगर आपके पास इंटरेस्ट है म्यूजियम और आर्टिफैक्ट्स के बारे में, तो गाइडेड टूर जरूर लीजिएगा। गाइडेड टूर मैंने वायटर से लिया था, जो मेरा रंजना दोनों के लिए करीब करीब 16,000 का आया था। हाँ, थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि इसमें आपका गाइडेड टूर का कॉस्ट, एंट्री कॉस्ट और एक स्किप द लाइन भी मैंने लिया हुआ था, ये तीनों मिला के करीब करीब मुझे 8,000 का पर हेड आया था। तो इतना कॉस्ट तो होता है लूव में, अगर इफ़ यू वांट टू अ गुड म्यूजियम टूर, तो वो आप ज़रूर लीजिएगा। लूव बेसिकली पेरिस के सेन रिवर के किनारे बना हुआ है, और ये एक बार नहीं, ये बहुत दिन लगा इसको बनाने के लिए। बेसिकली पहले ये पैलेस ऑफ फोर्ट हुआ करता था, जिसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। इसके अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसमें मेरा तो मेन इंटरेस्ट था, एक है मोनालिसा का पिक्चर और दूसरा है विनस डी माइलो। उसको छोड़ कर भी बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स है जो आपका दिल जीत लेगा इफ़ यू आर अ आर्ट लवर। मोनालिसा और विनस डी माइलो छोड़ के भी बाकी जो पिक्चर्स है वो भी देखने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलता है इफ़ यू आर हैविंग अ गाइडेड टूर। ये टूर जो था हम लोगों, मैंने बहुत पहले प्लान करके रखा था, इसलिए मैंने इसका गाइडेड टूर लिया था। मैं आपको बार बार रिकमेंड करूँगा कि गाइडेड टूर जरूर ले, नहीं तो आप यहाँ पे गुम ही हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से घुसना है और कहाँ से निकलना है। तो ये टूर मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। पहले आएगा एक जगह जहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कि ये पूरा जो म्यूजियम है ये बना कैसे, किसने किसने बनाया और कितने दिन में, कितने फेज में बना। उसके बाद जो मेन टूर है वो शुरू होता है। तो चलिए शेयर करते हैं आप लोगों के साथ लूव्र म्यूजियम का टूर। हम लोग का ये जो गाइडेड टूर था, बेसिकली लूव तो बहुत बड़ा है जैसे मैंने आप लोगों को बोला, लेकिन ये जो गाइडेड टूर था ये 3 घंटे का था, और इसमें बेसिकली ग्रीक स्कल्पचर, इजिप्शियन हिस्ट्री और जो फ्रेंच हिस्ट्री और फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन तीनों को ही कवर किया गया। बाकी म्यूजियम देखने के लिए तो मुझे लगता है कि 4-5 बार और जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट लूव का है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसमें ही काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है।
इसको छोड़कर भी दुनिया का बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स है जो मेरा प्लान है कि मैं बाद में देखूंगा, लेकिन ये जो टूर था, इस टूर में मुझे लूव्र के लिए प्यार और इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो इसीलिए मैं बार बार आपको रिकमेंड करूंगा कि एक गाइडेड टूर जरूर ले ताकि आप लूव्र को और इसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाए। फ्रेंड्स, करीब आधा घंटा चलने के बाद और बहुत सारे ग्रीक आर्टिफैक्ट्स देखने के बाद ये पल जो था मेरे लिए बहुत खास था। बहुत दिनों से पिक्चर में, टीवी में, सब जगह पे ये फेमस स्कल्पचर जो है विनस डी माइलो का हम सब ने देखा था, लेकिन ये पल जो था मेरे सामने विनस डी माइलो एकदम रूबरू था और मेरे लिए बहुत खास था। आप लोग के लिए भी शेयर करता हूँ द फेमस विनस डी माइलो का स्कल्पचर। देखते रहिए और बने रहिए प्लीज चैनल पे, और कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो। Your family name will be your birthplace. Vinci is a small city nearby Florence. So like his father, will be Leonardo da Vinci. Even though he knew his biological mom, this concept of mom's law, they're going to transpose it in his heart.
अभी 40-45 मिनट फिर चलने के बाद वो सन आया जिसके लिए लूफ जाना जाता है, द क्वीन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ लूफ, मोनालिसा का पेंटिंग। इस जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है और ये बेसिकली लियोनार्डो दा विंची का ही पेविलियन है, उनका सारा जो आर्टवर्क है वो सब रखा हुआ है। लेकिन मोनालिसा को खास प्यार से अलग से रखा जाता है क्योंकि इसके बारे में अगर डेफिनेटली आपको नेट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसका जो मिस्ट्री है, इसका जो मिथ है, ये बहुत फेमस है। तो चलिए देखते हैं मोनालिसा का पेंटिंग और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। और एक बार फिर से मैं यही बोलूंगा कि अगर ये टूर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शेयर करते हैं आप लोगों के साथ मोनालिसा का पेंटिंग। हम लोग का लूफ म्यूजियम का टूर का जो लास्ट पार्ट था वो सबसे इंटरेस्टिंग था और वो था इजिप्ट चैप्टर। और इजिप्ट चैप्टर के बिल्कुल एंड में मुझे ये जो चीज मैं बहुत दिन से देखने के लिए उतावला हो रहा था ये मुझे दिख गया, दिस इज एक्चुअली अ लाइव मामी। आप देख पा रहे हैं दिस इज एक्चुअली अ रियल मामी जो यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। और इसके आसपास जो मामी क्रिएट करने के समय जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होता था वो भी रखा हुआ है। और ह्यूमन मामी छोड़ के जो एनिमल्स मामीज हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे है, जो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स, पंछी, फिश, कैट्स सबका मामी होता था उस समय इजिप्ट में, तो उसका भी पूरा यहाँ पे डिस्प्ले था। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और इस पार्ट के साथ एक्चुअली इस हम ये जो लूफ का मैं टूर लिया था 3 घंटे का ये खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। टू थिंग्स बिफोर टू लेट यू गो, इफ यू वांट टू गो बैक टू द नॉर्थ फॉर लॉन्ग, इफ यू वांट टू स्टे लॉन्गर जस्ट यू कैन as long as you wish until 6 o'clock. After 6 o'clock if you go across the way you will become the mummy, so careful. Then you can give me the radio back, just the radio, not the headphones. Last point, I'm afraid of this guy. So if you enjoyed this tour, I need you to leave a review with my name on your revision platform. It's Hugo, because my boss needs to see I'm doing a good job on the internet. You keep giving me some work. So if you enjoyed this tour, put Hugo like Hugo Boss or Victor Hugo. If you did not like this tour, my name is Robert. Important. Right. Thank you very much. I'm going to be excellent staying in Paris. Yeah. ये टूर खत्म होने के बाद जो हम लोग का टूर गाइड थे जिनका नाम रॉबर्ट है और उनका एक नाम और भी है ह्यूगो, जो सबको रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि मेरे उनके नाम का एक रिव्यू देने के लिए, मैं जरूर बोलूंगा कि ये जो टूर था इसका सक्सेसफुल होने का पूरा श्रेय जाता है ह्यूगो को, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड गाइज और पूरा जो उनका बोलने का तरीका था, डिस्क्रिप्शन था, जो नॉलेज था वो बहुत ही अच्छा था। तो Highly recommended. Friends, अभी सुमन कुछ शॉपिंग कर रहा है और मैं इधर बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत पाँव में दर्द हो रहा है और ये आज फिर से कुछ खरीद के लेके आया। क्या खरीदा तुमने आज फिर से? दिखाऊंगा ये वाला कौन सा फेमस? ये वाला
दिखाएंगे, खोल के दिखाएंगे, डिटेल्स भी बोलेंगे। रुको, तुम ज्यादा आगे आगे। खोल के दिखाएंगे, डिटेल्स भी बोलेंगे, लेकिन अभी बहुत बहुत उसे भूख लगा है। और मुझे जस्ट दो मिनट दे दो, दो मिनट, एक चीज जस्ट पूछ के आ जाऊंगा। ना ना ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा हालत दिखाओ, मैं कैसे बैठी हूँ दिखाओ। रचना सीरियसली लग रहा है, कोने में बैठा लग रहा है, लुटपुट लुटपुट गई है। दो मिनट, दो मिनट और दो मिनट, दो मिनट, दो मिनट, अभी बात नहीं सुनता। ये देखिए छोटे छोटे बच्चा भी है यहाँ पे। जी ये लेना था, लेकिन मैंने मोनालिसा का एक पेंटिंग लिया है। मतलब कौन सा? ये ना ना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला, ये वाला, हाँ ये वाला भी। इसका वो करना पड़ेगा अभी, वहाँ पे इंडिया पे जाकर। ठीक है चलो। फ्रेंड्स अभी हम लोग म्यूजियम से निकल के आ गए, इधर आओ, गर्मी है बहुत। लूथ म्यूजियम से हम लोगों का टूर हो गया है। मैं बेसिकली वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि मेरा हालत ख़राब हो गया था। हालत ख़राब मतलब मेरा मेंटल स्टेबिलिटी ख़त्म हो गया था। ऐसा आर्टवर्क, मुझे आर्टवर्क से बहुत प्यार है, ऐसा आर्टवर्क हाँ डेफिनेटली सुना था, देखा था, पढ़ा था, लेकिन देखा था मतलब वीडियो में, आज सामने देख के मतलब मुझे, मैं एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर आपको सच में इसको देखना है, आपको आना है, ये वीडियो जस्टिस नहीं कर सकता, ये कोई ऑडियो जस्टिस नहीं कर सकता, ये कोई इंफॉर्मेशन जस्टिस नहीं कर सकता, आपको आना होगा, पिक्चर्स देखना होगा। कि पिक्चर्स मतलब लग रहा है कि अभी टीवी मतलब एलईडी टीवी में दिख रहा हूँ, आ जाएंगे बाहर निकल के, ऐसे हैं मतलब अमेजिंग 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 आर्टवर्क्स, अमेजिंग। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो चलिए ज़्यादा बात तो नहीं मतलब करते हैं। यही है, आप लोग यहाँ पे आइए और देखिए। इंटरेस्टिंग, हाँ ज़रूर ज़रूर, अगर आप कर पाते हो तो ज़रूर आना लूथ म्यूजियम। मेरे को मुझे ये लग रहा है कि एक्चुअली 5 दिन कंटिन्यूसली रखने से अच्छा होता, क्योंकि कुछ भी नहीं देख पाए। 3 महीने लगता है इसको पूरा देखने के लिए, 3 घंटे में, लेकिन जो देखा, जो मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो आपको आगे देखना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोगों का आज का जो मेन अट्रैक्शन था वो ये मेरा दिन था, कल रंजना के लिए दिन है, कल वी आर गोइंग टू डिज्नीलैंड। तो आज का लूथ म्यूजियम का जो टूर था ख़त्म हुआ। अभी पैर बहुत दर्द कर रहा है सबका, बहुत जोर से भूख लगा है, बहुत भूख लग रहा है। अभी जाएंगे ला मराइज। ला मराइज इज अ प्लेस वेयर यू फाइंड ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स और शॉप्स, तो वहाँ पे थोड़ा खाएंगे फलाफल। और शॉपिंग भी किया सुमन ने, बहुत शॉपिंग मतलब मैंने दो चीज़ लिया, मैं आपको अपलोगों से शेयर करूँगा, रूम पे जाके दिखाएंगे। हाँ, बहुत यूनिक चीज़ है और ये दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा ऐसा आर्टवर्क। तो चलिए पहले लामरा ही चलते हैं, वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग का थोड़ा शॉपिंग का मूड है, देखते हैं पता नहीं क्या खरीद पाएंगे। सुबीना छोटा मोटा सुबीना हम लोगों ने खरीदा है, तो चलते हैं पहले खाना खाते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं हम लोग का आज का जर्नी। बने रहिए हम लोग के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सबसे शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर दबाइए, ताकि कि पेरिस ट्रिप और स्विट्जरलैंड ट्रिप का आगे का जो वीडियो है वो आप लोगों के पास आए और आप लोग उसको देख पाए। चलिए चलते हैं नाम आ।
हम लोग अभी है लामराय में, अमेजिंग प्लेस, फूड और शॉपिंग के लिए पैराडाइज है। पहले खाना खाएंगे, मुझे फलाफल खाना था और अंजना को खाना है चिकन कड़ी और राइस। मतलब चिकन कड़ी राइस, ठीक है ट्राई करता हूँ। उसका मुंह पूरा छोटा हो गया। नहीं, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं। अब इंडियन रेस्टोरेंट दूसरी जगह पे है। अभी मैं तो खा रही हूँ ना, ये तो खा रही हूँ, ग्रिल चिकन तो खा रही हूँ ना अभी। अभी तो खाए नहीं, मैं ऑर्डर करने तो उसके बाद। हाँ फ्रेंड्स, मैंने ऑर्डर किया है ग्रिल चिकन। बहुत कुछ है यहाँ पे, क्या क्या है पता नहीं। और सुमन का ये क्या है, रोटी पीटा पीटा ब्रेड, पता नहीं क्या है। और तुम्हारा ये फलाफल कैसा है खाने में? बहुत अच्छा टेस्टी है, अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का डिनर ही बोल सकते हैं, है ना। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी तो 5 बज रहा है यहाँ पे, शाम हुआ है। हाँ 5 बजे यहाँ पे तो वो डिनर ही होता है हम लोगों का। तो अभी कितना हो रहा होगा पता नहीं मुझे, उतना है इंडियन टाइम पता नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे खाना पीना हो गया है और शायद अभी शॉपिंग करने के लिए जाएं क्या? जब तक गोवाइड नहीं दे रहे तब तक कैसे करूँगा? क्या नहीं दे रहे हो? गो अहेड बोल दिया तो ले लो। ले रहा है सुमन, नहीं सोच रहा है सुमन, सोचने की जरूरी नहीं, ले लो, अच्छा लग रहा है। फोटो के लिए पाटो तुम, हो गया और कितना देखोगे खुद को? अच्छे लग रहे हैं, ले लो। अभी हम लोग का ये शॉपिंग का सेकंड स्पॉट है गैलरीज लफायत। ये बहुत अच्छा एक मॉल है, यहाँ पे सारे ब्रांड्स, इंटरनेशनल फ्रेंच ब्रांड मिलता है। तो चलिए देखते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो कोशिश करेंगे खरीदने का। पता नहीं क्या कॉस्ट होगा लेकिन देखते हैं। चलो वीडियो तुलछो तुम्ही, दारुण। फ्रेंड्स, गैलरीज लफायत में घूमते घूमते हम लोगों को उतना खास कुछ दिखा नहीं, और जो भी पसंद आ रहा था बहुत ज्यादा कॉस्टली था, हम लोगों ने कुछ लिया नहीं। लेकिन घूमते घूमते बहुत ज्यादा भूख लग गया था और हम लोग को होटल वापस भी जाना था क्योंकि टायर्ड हो गए थे, हम लोग सारा दिन बहुत घूमे थे। तो इसके बाद हम लोग एक जगह पे एक थाई रेस्टोरेंट में गए जो बहुत ही अच्छा था और वहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने अच्छे से थाई फूड ट्राई किया और फिर इसके बाद हम लोग होटल लौट गए। तो ये था हम लोगों का day 6 इन पेरिस, और इसके साथ यही आज ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो को आप लोग देखा और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बने रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।